असलम वेलकम बैक टू माय चैनल तो जी सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह ताला ये महीना हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत साबित करे और हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात और दुआएं कबूल फ़रमाएँ सो आप लोग भी मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा सो चले जी ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है शहरी से सो यहाँ पे जो है थ्री फोर्टी एट हो गए थे और मैंने जैसे ही टाइम देखा तो मैं तो अचानक से थोड़ा ना डर गई मुझे लगा कि चार बजे तक या चार साढ़े चार बजे तक शहरी का टाइम है लेकिन कराची में जो का टाइम अच्छा खासा था, ने बोला बेटा इतनी जल्दी सहरी करके क्या करेंगे बट सिंस मैं उठ गई थी तो आई वज लाइक मैं अपनी शहरी बना लेती हूँ क्योंकि उन्होंने जो शहरी खानी है मैंने वो खानी भी नहीं थी तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया जो मैं लेकर आई हुई थी होल वीट के उसको ही मैंने फ्राई किया साथ में जो है चिकन का सालन बना हुआ था और चने बने हुए थे तो मैंने बोला कि आज जो है हम सालन ही खाते हैं अंडा मैंने स्किप किया क्योंकि शुरू के रोज़े जो होते हैं ना वो आपको इंजॉय करने चाहिए क्योंकि रमज़ान भी कौन सा लाइक साल में एक ही दफ़ा आते हैं तो उनको भी मैं ये करती हूँ कि स्टार्ट के जो कुछ रोज़े होते हैं ना एक दो रोज़े एटलीस्ट उनको मैं इंजॉय करती हूँ और मेरा जो दिल करता है मैं खाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली यार इंसान है दिल करता है और ये सारी चीज़ें कौन सा पूरा साल बनती हैं तो बस यहाँ पे मैंने जो है अपनी सैरी की और शहरी के टाइम पे जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा शदीद नींद आ रही थी वैसे यूजली क्या होता है कि नॉर्मल डेज में हम सोते ही नहीं हैं मतलब बहुत लेट सोते हैं नींद ही नहीं आती रात को और आज इतनी शदीद नींद आ रही थी बट मैंने बोला कि आज सोना नहीं है शैरी करके सुना है वरना अगर सो जाओ ना तो बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है और उठा भी नहीं जाता अच्छा जी फिर जो है तकरीबन दो बजे मैं दोपहर को तो उठी क्योंकि शहरी करके ही सोए थे हम लोग तो उठने के साथ ही जो है मैंने अपना कमरा वग़ैरह सेट करवाया और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी आई नो आप लोगों के साथ ये होता है या नहीं मुझे बताएगा रोज़ा रख के ना बहुत ज़्यादा नींद आती है अच्छा उसके बाद जो है ना मैं बाहर मौसम चेक करने गई मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद बारिश का मौसम होगा क्योंकि जब रोज़ा रखा होता है ना तो दिल होता है कि मौसम भी अच्छा हो लेकिन इतनी शदीद धूप थी और इतनी ज़्यादा जो है गर्मी हो रही थी तो अम्मा नमाज पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि यार सबसे पहले फ़्रेश होते हैं उसके बाद हम भी नमाज वग़ैरह पढ़ते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और वैसे यूजली मौसम बहुत अच्छा था पिछले दिनों में लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे आज वाकई में बहुत गर्मी लगी अच्छा फिर यहाँ पे साढ़े तीन बजे का टाइम हो गया था तो हमने सोचा कि अब जो है ना इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं तो इफ्तारी में मैंने सोचा कि हम बनाएंगे पोटैटो कटलेट्स जिसमें हम लोग नूडल्स भी ऐड करते हैं आप स्पेगेटी भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने नॉर वाले जो पैकेट वाले नूडल्स होते हैं वो ऐड किए थे सो so, आज क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था तो मैं बहुत ज़्यादा एक भी थी और फर्स्ट रोजे में होते हैं ना शुरू शुरू के रोजे में बंदा एक्टिव होता है तो दिल करता है ये भी बना लो वो भी बना लो बट एंड के डेज़ में यू आर लाइक बस यार कुछ भी बना लो मतलब बस रोज़ा ही तो खोलना है अच्छा तो बस यहाँ पर जो है मैंने पोटैटो कटलेट के लिए सबसे पहले uh, पोटैटोज़ और थोड़ा सा चिकन और जो है नूडल्स को बॉईल कर लिया था इसमें जो है पोटैटो की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और चिकन थोड़ा कम होता है साथ में आपने एक पैकेट जो है कनौर के या कोई से भी इंस्टेंट नूडल्स ले लेने हैं साथ में मैंने जो स्पाइसिस ऐड किए हैं जो घर में हमारे बेसिक स्पाइस होते हैं ना काले मिर्च लाल मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला ये सारे डाले थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला थोड़ा सा कॉर्नफ्लार ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया कॉर्नफ्लायर मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि मेरा मिक्सचर बहुत गर्म था और मैं इसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी कूल डाउन होने के लिए तो आप इसको ठंडा करके भी इसके कटलेट्स बना सकते हैं तो ईजीली बन जाते हैं बट कॉर्नफ्लायर से ये होता है कि आपकी जो बाइंडिंग होती है ना वो अच्छी हो जाती है सो so, यहाँ पर मैंने इसका मिक्सचर बना लिया था ऑन दी अदर हैंड मैंने जो है इमली की चटनी बनाई क्योंकि मुझे बनानी थी चना चाट अपने लिए स्पेशली तो इमली की चटनी आई थिंक सबको आती है और बड़ी बेसिक सी होती है जो घर में मसाले होते हैं वो और इमली को जो है आपने पहले ही गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना होता है ताकि इमली का पल्प जो है वो अच्छे से निकल जाए बस फिर इसमें मैंने जो है शुगर ऐड की थी लाइक ब्राउन शुगर ऐड की थी कुछ लोग जो है ना इमली में डेट्स भी ऐड करते हैं और आलू बुखारा भी ऐसे ऐड करते हैं बट हम लोग इस तरीके का कुछ नहीं करते तो मैं उसको मीठा करने के लिए सिर्फ उसमें ब्राउन शुगर ऐड करती हूँ तो उसी के साथ मैं जब तक मेरी चटनी बन रही थी तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से जो है सारे काम निपटा लेते हैं और पहला रोज़ा था ना तो कुछ भी नहीं समझ आता आपको टाइम का भी नहीं पता चलता और टाइम का आइडिया भी नहीं होता और सारे काम जो है ना लास्ट मिनट पे हो रहे होते हैं और आई थिंक ये होता ही होता है क्योंकि शुरू के दिनों में ना टाइम का ही नहीं समझ आ रहा होता सो so, यहाँ पे बस फिर मैंने जो है चने बॉयल हुए हुए पड़े हुए थे तो जितने भी अवेलेबल थे मैंने उसके साथ थोड़े से आलू बॉयल कर लिए जो वेजेज़ uh, होती हैं प्याज़ टमाटर हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी चाट uh, मसाला साथ में थोड़ी सी दही ऐड कर ली हमारे पास जो है बनी हुई मेरे पास दही पड़ी हुई थी तो मैंने वही यूज़ कर ली साथ में थोड़ी इमली की चटनी थोड़ी सी केचप ऐड कर दी दैट्स ऑल अच्छा जी तो यहाँ पर जो है मैं uh, उसी के साथ फ्रूट चाट जो है बना रही थी क्योंकि चाट वग़ैरह ना ठंडी अच्छी लगती है तो उसको आप दोपहर को ही बना के रख दें फ्रिज में ताकि वो अच्छी सी चिल्ड हो तो फिर ही उसका मज़ा आता है तो यहाँ पर फ्रूट चाट मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करते हैं और थोड़ा सा जो है कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड करनी है सिर्फ वन टू तो टू टेबल स्पून और साथ में वन टेबल स्पून आपने कंडेंस मिल्क ऐड करना है डिपेंड करता है कि आप कितने फ्रूट्स यूज़ करें साथ में जो है मैं इसमें जो सीजनिंग यूज़ करती हूँ जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और मैं लाना भी भूल गई जो कि पेरी पेरी सीजनिंग है यार ट्रस्ट मी वो ऐड करने से आपकी फ्रूट चाट का जो फ़्लेवर आता है ना बहुत अमेजिंग बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ चाट मसाला ऐड किया और बस इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दिया अब यहाँ पर जो है तकरीबन आई गेस छः पंद्रह हो गए थे और हमें टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चला तो हमने बस जल्दी से फ्राइंग का जो ऑब्सली uh, फ्राइंग के आइटम्स जो होते हैं वो तो गर्म गर्म ही सर्व होते हैं तो एंड पे ही बनते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ आया था बट आई वॉज़ लाइक like मैंने अपना व्लॉग तो बनाना है तो मेरी अम्मा और मैं बस लगे हुए थे वो साथ साथ पकौड़े और फ्राइज़ और समोसे वग़ैरह फ्राई करी थी मैं ऑन दी अदर हैंड जो है बस कबाब मैंने फ़्राई किए तो आप लोगों ने जो है अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है शेयर करना है क्योंकि आज मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के पीछे मेरे मोबाइल ने भी मुझे बहुत टफ टाइम दिए क्योंकि मेरा बार बार स्टोरेज फुल हो रहा था बट आई वज लाइक नो आई हैव टू मेक अ व्लॉग क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जो है व्लॉग्स इन शाला तला रमदान में ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगी आई डोंट थिंक कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी बट लेट्स सी तो यहाँ पर जो है हमारा रोज़ा हमारा जो है जी किचन में ही खुल गया क्योंकि हमें पता ही नहीं चला टाइम का और आज़ाद हो गई और हम माशाल्लाह से जो है फ्राई कर रहे थे पकोड़े समोसे तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी से रोज़ा इफ़ार किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो है रोज़ा अच्छे से खुला और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है टू वी वेरी ऑनेस्ट कुछ नहमतें और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद दूसरे लोगों के पास नहीं होती बट आपके पास होती हैं और हमें उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता लेकिन अलहमद फॉर एवरी थिंग और आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा सो आई विल सी यू गैस इन माई नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन अल्लाह फैज़